विघ्नहर्ता श्री गणेशा, श्री गणेशा, श्री गणेशा। बहुत बड़े अज्ञानी हो तुम। कदाचित ये भी ज्ञात नहीं है तुम्हें कि लौह कवच तो योद्धा को कुछ ही अस्त्रों से रक्षा करने में सक्षम होता। व्यक्ति के अच्छे कर्मों से बेहतर कोई कवच नहीं होता और बुरे कर्म उसके हर कवच को क्षीण कर देते हैं। केतु स्वर्ण आभूषण मंगल और शक्ति के प्रतीक, और ये शक्ति तब तक स्थिर रहती है जब तक स्वर्ण के प्रति कोई मोह या लोभ न जागृत हो। क्योंकि मंगल और शक्ति का सुदृढ़ कवच जिसके पास भी होता है उसे किसी भी अन्य कवच की आवश्यकता नहीं होती। लाल वस्त्रों का ये सौंदर्य धारण कर तुम ये कह रही हो कि तुम्हें किसी कवच की आवश्यकता नहीं। किंतु तुम भूल रही हो नारी कि युद्ध भूमि में लाल वस्त्र पहनकर नहीं आया जाता। वस्त्र तो यहाँ लाल होते हैं शत्रुओं के लहू से। अब ये दुष्ट अपने सर्वनाश के मुख में प्रवेश करने वाला ही है, क्योंकि इसके पाप का घट अब भरकर छलकने ही वाला है, जो इसे मृत्यु की ओर अग्रसर करेगा। जिस लाल रंग का तुम उपहास कर रहे हो वही लाल रंग क्रियाशीलता सृजनात्मकता का प्रतीक, वही लाल रंग जन सुख और समृद्धि का कारक, तो वही लाल रंग मृत्यु का भी कारक। आरंभ और अंत दोनों लाल रंग से ही होते हैं। इसीलिए तुम चिंता मत करो, क्योंकि मेरे लाल वस्त्र अभी और भी लाल होंगे तुम्हारे लहू से, जब मैं तुम्हारा संहार करूं। एक बार पुनः समझाता हूं तुम्हें, क्रियाशील होकर युद्ध में लहू बहाने की बात करने तुच्छ नारी के मुख से शोभा नहीं देता, क्योंकि तुम नारियों की तो मात्र एक जीवा ही क्रियाशील होती है परस्पर कलह के लिए। अब अधर्मी दुर्गमासुर का पाप कलश पूर्ण रूप से भर चुका है। नियति की सेवा, तुम जैसे पापी का नाश कर। व्यर्थ में ही प्रतीक्षा कर रहा था, मुझे पूर्व में ही तुम्हारा वध कर देना चाहिए था। तुम्हारा वध, तुम्हारा वध। कैसा से स्वरूप दिखाई दे रहा है इस दुष्ट दुर्गमासुर का। अधर्म देवराज, अधर्म और पापों का अंधकार है ये, जिससे सभी को दूर रहना चाहिए। किंतु उस दुष्ट ने तो संपूर्ण जीवन पाप कर्मों को अपना आभूषण माना है, दुराचार करने की प्रवृत्ति को वस्त्र के समान धारण किया, इसलिए अब इसके पापों की गागर फूटने पर ये उसके अंतर की कालिमा ही है, जो उसके स्याह स्वरूप से हमारे समक्ष प्रकट हुई है। क्या हुआ? प्रतीत होता है मेरे वास्तविक शक्तिशाली स्वरूप के दर्शन पाकर स्तब्ध रह गई ना। चलो साहस जुटाओ, युद्ध करो मुझसे, मुझे परास्त करो, और यदि ऐसा करने में असमर्थ हो तो जाओ, लौट जाओ अपनी दुर्बल देव सेना को साथ लेकर, जो युद्ध करने के स्थान पर तुम्हारे पीछे एकमात्र मूक दर्शक बन के खड़े हैं। नहीं देवगण भैया, इसके इन दुर्वचनों पर हमारी कोई प्रतिक्रिया उचित नहीं, क्योंकि इसे इसके इन शब्दों का उत्तर तो स्वयं माँ ही देंगी। गणेश, सर्वशक्तिशाली हूँ मैं, स्वीकार करो।
विश्वास नहीं, पाप है तुम्हारा, जो तुम्हारे शीश पर, तुम्हारी बुद्धि पर छाकर तुम्हें ऐसे दुर्वचन कहने पर प्रेरित कर रहा है। और मुझे तो इसी समय की प्रतीक्षा, क्योंकि अब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रत्येक पाप का दंड दूंगा। जिस नारी को तुमने तुझ समझा, तुझ पुकारा, वही अब तुम्हारी मृत्यु बनेगी। मृत्यु का भय नहीं है मुझे, क्योंकि मृत्यु पे तो विजय प्राप्त कर चुका हूँ मैं। इसलिए अब मेरी जीवा नहीं, अभी तू मेरे अस्त्र संवाद करेंगे तुमसे। मृत्यु अस्त्र। नो, मेरे इस प्रहार को संभालो। मेरे मृत्यु अस्त्र का अत्यंत विषैला धूम्र मृत्यु प्रदान करेगा तुम्हें, और यही है तुम्हारी नियति। महाविद्या माता धूमावती। गया जाप माला जयंती मध्यान्हे प्रौढ़ रूपा विकसित वदना चारु निद्रा निशाया संध्याया कृत रूपा गलित कुछ युगा मुंड माला वहंती सा देवी देव देवी त्रिभुवन जननी कालो कपातु युष्मा। ऐसा भयंकर दृश्य प्रकट हुआ है मेरे समक्ष, ये सत्य नहीं हो सकता। यही है तेरा अंतिम सत्य दुष्ट, तेरे मृत्यु अस्त्र के धूम्र में ही दिखाई दे गई ना तुझे अपनी मृत्यु। नहीं, ये मेरी मृत्यु नहीं, कोई माया है तुम्हारी, जिससे तुम मेरा मनोबल तोड़कर युद्ध में पराजित होने के स्थान पर तुम मुझे ही मेरे मन ने पराजित करने का प्रयास कर रही हो। किंतु मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मेरे आसुरी अस्त्र तुम पर विफल हुए तो क्या हुआ, किंतु अपने दैविक अस्त्र का प्रयोग कर तुम्हारा संहार अवश्य करूंगा। वायु अस्त्र, अग्नि अस्त्र, देवी देवी कवच से सुरक्षित है, किंतु इन देवास्त्रों की संहारक ऊर्जा तो हमारे लिए और संपूर्ण सृष्टि के लिए भी संहारक सिद्ध हो सकती थी। हे
ज्वाला देवी अर्थात अग्नि और ताप की देवी। माता काली तो ऊर्जा के समस्त स्रोतों की नियंत्रक है। क्या हो रहा है? ये देवियां मेरे दैविक अस्त्रों के प्रभाव को कैसे नष्ट कर सकती हैं? ज्वाला ही है जो अग्नि अस्त्र को अपने उदर में समाहित कर उसे शांत कर सकती है, और माता काली वायु अस्त्र से उत्पन्न बवंडर को चीर कर आगे बढ़ने में सक्षम है। दुष्ट असुर, ये दैविक अस्त्र तेरे जैसे दुष्ट द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए नहीं है। सूरी ढाल मेरा कवच बनकर मेरी रक्षा करे। अर्थात तेरी मृत्यु के दर्शन हुए तुझे। ये थी वायु की वास्तविक शक्ति, अब देख ज्वाला की शक्ति क्या करती है तेरे साथ। से मेरी ओर प्रवाहित कर रही है, इसके ताप को शांत करना होगा मुझे। वरुण अस्त्र, माता से युद्ध करने के लिए वो अधर्मी दुर्गमासुर वैदिक अस्त्रों का प्रयोग कर रहा है। पहले उसने वायु और अग्नि अस्त्र का प्रयोग किया, अब वो दुष्ट लावा से रक्षित होने के लिए वरुणास्त्र का प्रयोग कर रहा है। मुझे वो दृश्य क्यों दिखाई दिया? पहचान अपनी मृत्यु को मूर्ख, जो तेरे अंतिम सत्य के रूप में तेरी ओर बढ़ रही है।
खोले तुम तक पहुंचने ही वाला है। इसका आभास हुआ तुम्हें दुर्गमासुर? नहीं, असंभव है मेरी मृत्यु। मैं अजय था, अजय हूँ और अजय रहूंगा। दुर्गमासुर हूँ मैं, दुर्गमासुर। मेरे एक तो अस्त्रों से सुरक्षित होगी तुम देवी, किंतु मेरे समस्त दैविक अस्त्रों के प्रहार से स्वयं को नहीं बचा सकोगी। तामसिक माता के 94 करोड़ अनुष्ठान का ही प्रतिफल है मेरे ये वैदिक अस्त्र, जो अब इस तुच्छ नारी के संहार में सहायक सिद्ध होंगे। नहीं होता, इन 9 देवियों ने उत्पन्न होकर मेरे समस्त दैविक अस्त्र नष्ट कर दिए। तुम्हारा वध तो मैं अवश्य करूंगा, अपने दैविक अस्त्रों से नहीं तो अपने असुरी अस्त्रों से तुम्हारा वध अवश्य करूंगा मैं देवी, अवश्य करूंगा। शक्ति का अजय हूँ मैं, ये देवी एक तुच्छ नारी मेरा वध कदापि नहीं कर सकती। दुर्गमासुर हूँ मैं, दुर्गमासुर हूँ मैं। ये क्या? मेरा शीश मेरे तन से विलग होकर नीचे गिरा हुआ है। क्या दोष? अपनी मृत्यु दिखाई दी तुम्हें? ये कैसा प्रपंच है? कभी एक देवी युद्ध करने आती तो कभी कोई और। तुमने घोषणा की थी कि तुम स्वयं युद्ध करने आओगी, तो फिर ये अनेक देवियां युद्ध में क्यों प्रस्तुत हो रही हैं? मूर्ख मंद बुद्धि दुर्गमासुर, जिन्हें तुम अनेक कह रहे वो सभी देवियां मुझसे ही उत्पन्न होती और मुझ में ही समाहित हो जाती। वो सभी देवियां मेरा ही रूप, एक ही। अच्छा, रूप। मंद बुद्धि मैं नहीं अपितु तुम हो देवी, जिसे यह भ्रम है कि तुम दुर्गमासुर की मृत्यु बनोगी। स्मरण करो मैंने क्या कहा था, दुर्गमासुर की मृत्यु दुर्गमी नहीं अपितु असंभव भी है। Ha 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 ha!
मेरे सहस्त्र सशस्त्र हाथों को। जिस अनुष्ठान का सुझाव मुझे तुम्हारी एक सहयोगिनी से प्राप्त हुआ है, उसी से प्राप्त किए मैंने सहस्त्र हाथ। अब मैं देखता हूँ मेरे प्रहार का सामना कैसे करोगी तुम। ये दुष्ट तो अभी भी समर्पण करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं भैया, इस पर तो इसके दंभ का ही प्रभाव छाया है, जिसने इसकी बुद्धि को भ्रमित कर इसे वास्तविकता देखने और समझने में अक्षम कर दिया है। ये क्या हुआ? तुम कोई भी रूप धारण कर लो, मेरे अंगों को क्षति नहीं पहुंचा पाओगी। तुम्हारा कोई भी छल युक्त वार सफल नहीं होगा मुझ पर, नहीं होगा। ये क्या, माता के किसी भी बाण का प्रभाव इस दुर्गमासुर पर क्यों नहीं हुआ? ये कैसे हुआ, कैसे संभव है? इससे तो मैं भी अचंभित हूँ, ये कैसे संभव हुआ? देखा देवी, देखा मेरी अजय शक्ति का प्रदर्शन, स्वयं को देवी आदिशक्ति पुकारने वाली। ये तो उचित है कि तुम्हारे प्रत्यक्ष दर्शी तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारा विनाश देख उसकी गाथा गाएंगे, संसार को बताएंगे कि वो तुम्हें पूजने की भूल करते थे, क्योंकि तुम कोई महाशक्ति नहीं, अभी तू एक मात्र तुच्छ नारी हो। मैं दुर्गमासुर, ब्रह्मांड के सारे देवी देवताओं को पराजित करने वाला दुर्गमासुर, तुमसे भी कहीं अधिक शक्तिशाली हूँ मैं, महाशक्तिशाली, महाज्ञानी, महापराक्रमी दुर्गमासुर हूँ मैं। दुर्गमासुर हूँ मैं। भैया, हमें स्वयं को शांत रखकर इस विकट परिस्थिति के समाधान का विचार करना चाहिए। भैया, अभी भी कुछ अवश्य है जो इस दुष्ट की सुरक्षा कर रहा है। इसका ललाट, मेरी दिव्य दृष्टि से मुझे इसके ललाट पर वैसा ही तेज दिखाई दे रहा है जैसा तेज गायत्री माता के प्रभाव से दुष्ट अरुणासुर के ललाट पर भी था। इसके भीतर भी ज्ञान संचित है, किंतु ये कैसे संभव है? ज्ञान की देवी वेद माता का हरण किया था इसने, तो अवश्य उन्हीं से कोई ज्ञान प्राप्त किया होगा इसने। भैया, संगति का प्रभाव। अर्थात ये भैया कि जैसे आप मेरी संगति में रहने के कारण इतने चतुर हो गए हैं कि आपने अपनी चतुराई से इसका रहस्य ज्ञात कर लिया, उसी प्रकार अवश्य वेद माता की संगति ही इसकी रक्षा का कारण बन रही है। उनके सानिध्य के कारण ही इसमें वेद का ज्ञान संचित हुआ है। वेद का ज्ञान? हाँ देवराज, इसलिए तो कहा जाता है कि अच्छी संगति में रहने का बहुत लाभ होता है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है ये दुष्ट असुर, जिसने ना चाहते हुए भी अच्छी संगति से ज्ञान तो अर्जित किया किंतु उसका उपयोग ना कर सका, और तब भी वही ज्ञान इसकी रक्षा कर रहा है। माता को तो सब ज्ञात है, मुझे तो उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट करने का माध्यम भर बनना है, जिसका एक ही उपाय है, उस मंत्र का उच्चारण जिसमें समस्त वेदों का सार निहित है। Hey!
वेद माता का ज्ञान ही है जो इस असुर की रक्षा कर रहा है। ओह, एक और अस्त्र। इस चक्र की दोनों गति से मेरा मस्तिष्क भी अनियंत्रित हो रहा है। ये कैसी पीड़ा का आभास हो रहा है मुझे? अपार कष्ट हो रहा है मुझे, जैसे मेरा शीश विस्फोट होने जा रहा है। मेरे कर्ण से रक्त प्रवाहित हो रहा है। ये क्या? इस पापी दुर्गमासुर के शीश से ये उजला प्रकाश कैसे प्रकट हो रहा है? यही वो ज्ञान है देवराज, जो इसे सुसंगति से दान में प्राप्त हुआ था। चारों वेदों का ज्ञान। ये ऋग्वेद का ज्ञान उत्सर्जित हुआ, अब यजुर्वेद का ज्ञान। तत्पश्चात सामवेद का ज्ञान और अब अंततः अथर्ववेद का ज्ञान भी उत्सर्जित हो गया उसके मस्तिष्क से। इतनी सहजता से किसी को ज्ञान प्राप्ति नहीं होती, किंतु तुम्हें हो गई। बलपूर्वक तुमने जिनका हरण किया, वेद की उन्हीं देवी की संगति से तुम्हें इस धर्म के ज्ञान को पाने का सौभाग्य मिला। किंतु तुम्हारे भीतर की बुराई ने तुम्हारे ज्ञान को कभी बढ़ने नहीं दिया, किंतु धर्म के इस ज्ञान ने फिर भी तुम्हारा साथ दिया और कवच बनकर सदा तुम्हारी रक्षा की। यह है उचित ज्ञान का महत्व, जो तुम जैसे मूर्ख अधर्मी कभी नहीं समझ सकते। किंतु अब तुम्हारा ये कवच तुमसे छिन चुका है, इसलिए अब तुम अपने सर्वनाश के लिए तैयार हो जाओ दुष्ट दुर्गमासुर। क्या तुम वास्तव में मान बैठी थी कि मेरी शक्ति का आधार वेद का ज्ञान था? नहीं देवी, नहीं। अपने अनुष्ठान से शक्ति प्राप्त की है मैंने। 94 करोड़ वही अनुष्ठान देवी, जो तुम्हारा पुत्र गणेश भी संपन्न होने से नहीं रोक सका था। यू देवी,
सत्य कह रहा हूँ ना मैं, सत्य। अपना विवश करूंगा मैं तामसिक माता को, और जो आज खोया है उसे पुनः प्राप्त करूंगा मैं। इसी माँ ने तुझे सुझाव दिया था, आज मृत्यु प्रदान करेगी। जिस दिन व्यक्ति पर निंदा छोड़ निज निंदा करना आरंभ कर देगा, उस दिन से उसका पतन नहीं अपितु उत्थान आरंभ हो जाएगा।